चस्का मस्का में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पनीर टिक्का मसाला। रेसिपी को सीखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। एक बाउल में, बड़े से बाउल में, ये मैंने वन बाउल हंकड़ लिया है। हंकड़ उसे कहते हैं कि जो दही होती है हमारी, वो हम किसी मलमल के कपड़े पे उसको 3 से 4 घंटे के लिए हैंग करके कहीं पे रख देते हैं, तो उसका जो पानी होता है वो सारा ड्रेन हो जाता है। तो ऐसे फिर ये हमारी हंकड़ रेडी हो जाती है। इसमें हम मैं 1/2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लूंगी। इसमें अब मैं 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर ऐड करूंगी। 1/4 टीस्पून इसमें मैं गरम मसाला ऐड करूंगी। 1/4 टीस्पून इसमें मैं ब्लैक सॉल्ट ऐड करूंगी। थोड़ा सा इसमें मैं चाट मसाला ऐड करूंगी और 1/4 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर हम ऐड करेंगे। इसमें 1/4 टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है और 2 टेबलस्पून इसमें मैंने लेमन जूस ऐड कर दिया है। एक पैन में हम 30-40 ग्राम बटर लेंगे। इस बटर को हम मेल्ट होने देंगे और जब ये मेल्ट हो जाएगा तब इसमें हम 2.5 टेबलस्पून बेसन का ऐड करेंगे और उसे रोस्ट करेंगे। इसमें मैं अब 2.5 टेबलस्पून बेसन की ऐड करूंगी और इसे थोड़ा सा रोस्ट करूंगी ताकि हमारा जो बेसन है वो कच्चा ना रहे। इसमें हम लम्स नहीं पड़ने देंगे बेसन में बिल्कुल भी, और इसको हम थोड़ा भूनेंगे। कच्चा नहीं रहना चाहिए हमारा बेसन। ये जो बेसन है ये हम मीडियम फ्लेम में रोस्ट करेंगे। ये हमारा बेसन जो है रोस्ट हो चुका है। देखिए इसका कलर थोड़ा डार्क ब्राउन में आ गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि 3/4 टेबलस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम बंद कर देंगे। फ्लेम हमने बंद कर दी है। ये देखिए हमने मिक्स कर लिया है इसे, फ्लेम हमने बंद कर दी है और इसको अब हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अभी ठंडा हो गया है, इसको अब हम अपने इस बाउल में डाल देंगे और अपना मैरिनेशन पनीर टिक्का मसाला के लिए प्रिपेयर करेंगे। इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम अपने पनीर जो है वो मैरिनेट करेंगे। ये मैंने फूड कलर लिया है, 1 पिंच मैंने फूड कलर लिया था, उसमें मैंने पानी डाल दिया है। ये ऑप्शनल है कलर लाने के लिए, अगर आपके पास फूड कलर है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। ये मैंने मिक्स कर दिया फूड कलर डाल के। ये हमारा मैरिनेशन रेडी हो गया है। अब इसमें हम अपना पनीर, अनियन, कैप्सिकम मिक्स करेंगे। पनीर ऐड करने से पहले इसमें मैंने कसूरी मेथी ऐड कर ली है। इसमें हम अपनी लेयर्ड अनियन डालेंगे पहले, क्यूब्स वाले कैप्सिकम डालेंगे, मैंने क्यूब्स में कट कर लिए हैं कैप्सिकम को। और इसमें मैंने क्यूब्स में पनीर कट किया है, ये हम पनीर ऐड कर देंगे। पनीर के जो पीसेस हैं थोड़े मोटे कट करने हैं हमको, जैसे कि पनीर टिक्का में होते हैं। अब ये हम पनीर, कैप्सिकम, अनियन अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और आप धीरे धीरे इसे मिक्स करना ताकि आपके जो पनीर है वो टूटे ना। मैंने इसको अच्छे से मैरिनेट कर दिया है। अब इसको हम 30 मिनट्स के लिए एक साइड पे रख देंगे।
एक पैन में हम 4 to 5 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। जब आपका ऑयल गर्म हो जाए तो मैंने ये 3 अनियन फाइनली चॉप कर लिए हैं, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको गोल्डन ब्राउन करने तक रोस्ट करेंगे। मैंने इसको 2 मिनट्स अभी रोस्ट किया है। इसमें मैं अपनी थोड़ी सी स्लाइस्ड जिंजर अदरक ऐड करूंगी और 3 to 4 स्लाइस्ड गार्लिक ऐड कर दूंगी और इसको इसके साथ अब हम भून लेंगे। देखिए ये अब गोल्डन ब्राउन हो गई है अनियन जो है हमारी, और लहसुन अदरक भी इसमें अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। इसमें अब मैं चॉप टमाटोज ऐड करूंगी। ये मैंने चॉप टमाटोज इसमें ऐड कर दिए हैं। मैंने 3 अनियन ली थी और मैंने 6 टमाटो लिए हैं। जो ये टमाटर है इसके अंदर के जो बीज होते हैं ना वो रिमूव करके मैंने उसके बाद इसे चॉप किया है। ये मैंने टमाटर इसके अंदर मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसे कवर करेंगे और इसको हम 3 to 4 मिनट्स कुक होने देंगे, जब तक कि ये टमाटर जो है अच्छे से गल नहीं जाता है। ये 30 मिनट्स हो चुके हैं, पनीर हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि इसके बीच में ना एक होल बनाएंगे। होल हम इसलिए बनाएंगे कि अब हम अपने पनीर टिक्का में एक स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए एक ट्विस्ट करेंगे। वो मैं आपको भी बताती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या करेंगे हम। मैंने इसके बीच में एक कटोरी रख ली है, आप चाहें तो फॉइल पेपर भी रख सकते हैं। ये देखिए ये मैंने रखा है कोयला गैस पे, इसे हम गरम करेंगे, भूनेंगे अच्छे से, इसी से हमारा स्मोकी फ्लेवर आएगा पनीर टिक्का मसाला में। ये मैंने कोयला रख दिया है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा देसी घी ऐड करेंगे और देखिए स्मोक आने लग गया है। इसको हम एक प्लेट से कवर कर देंगे ताकि इसका जो स्मोकीनेस है ये सारा हमारे पनीर में ही रहे और एक हमारे पनीर टिक्का में एक स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। इसको अब हम चेक कर लेते हैं। ये ऐसे हम मिक्स करेंगे। ये मैंने 2 मिनट बाद चेक किया है। इसमें हम क्या करेंगे, थोड़े से हम मगज इसमें ऐड करेंगे। ये मैंने थोड़े से मगज लिए हैं। इसकी ग्रेवी इससे बहुत ही क्रीमी बनेगी, बहुत ही यम्मी बनेगी। अगर आपके पास मगज ना हो तो आप इसमें 6 to 7 काजू भी डाल सकते हैं। इसको मैंने मिक्स कर दिया है, इसको हम फिर कवर कर देंगे 3 to 4 मिनट्स के लिए। इसको हम चेक कर लेते हैं। ये जो हमारे टमाटोज हैं ये अच्छे से गल चुके हैं। इसमें अब मैं 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूंगी। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, कम ज्यादा। इसके बाद मैं इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला ऐड करूंगी, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड करूंगी और इसको हम मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम अब मैंने बंद कर दी है, इसको हम अपनी मिक्सी में अब ग्राइंड करेंगे थोड़ा, जब भी ठंडा हो जाएगा। अब हम अपना पनीर चेक कर लेते हैं। इसको आप ग्रिल अवन में भी कर सकते हैं और गैस पे भी कर सकते हैं। सबके पास अवन नहीं होता है इसलिए मैं आज आपको गैस पे इसको ग्रिल करना सिखाऊंगी। ये कटोरी हम बाहर निकाल लेंगे और अब हम इसके अंदर हम पहले कैप्सिकम लगाएंगे। पनीर का एक पीस लेंगे, फिर हमें कैप्सिकम लेंगे, ऐसे ही हमें सारे लगाने हैं। ये ऐसे मैंने सीख में लगा लिया है क्योंकि भैया अब हमें
टिक्का जो है अपने भूनने हैं गैस पे। ये गैस के साइड पे मैंने फॉइल पेपर लगा दिया है ताकि हमारी गैस गंदे ना होए। अब हम अपनी गैस जो है वो जला देंगे और हाई फ्लेम पे ही रखेंगे और अपने हम पनीर टिक्का इसे हाई फ्लेम में ही ऐसे रोस्ट करेंगे। जैसे ही डार्क ब्राउन ब्लैक हो जाएंगे ये हमारे पनीर टिक्का भुन जाएंगे। जिनके पास अवन नहीं है वो ऐसे भी रोस्ट कर सकते हैं, अवन में भी हो जाते हैं। बाकी इससे इस तरीके से आप बनाएंगे तो भी आपको बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इसको हमें ऐसे घुमाते रहना है ताकि हमारा पनीर हर तरीके से कैप्सिकम अनियन अच्छे से भुन जाए, रोस्ट हो जाए। ये देखिए हमारा पनीर टिक्का अच्छे से रोस्ट हो चुका है। कोई कहेगा कि आपने ये गैस पे रोस्ट किया है सारा, ये हमारा रेडी हो गया है। ऐसे ही हम अपना दूसरा भी रोस्ट कर लेंगे। बस आपको यही करना है कि आप इसको घुमाते रहना है, एक जगह नहीं रखना है, अदरवाइज एक ही जगह से भुन जाएगा। आप चाहें तो दोनों साइड से पकड़ के इसे अच्छे से भून सकते हैं, रोस्ट कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पनीर टिक्का रेडी हो चुके हैं। और कोई कहेगा कि आपने घर में पनीर टिक्का बनाया है, इसको मैंने मिक्सी में ट्रांसफर कर लिया है। अब हम इसको अच्छे से पीस लेंगे। ये हमने ग्राइंड कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई या पैन लेंगे और इसमें ये जो हमारी ग्रेवी है इसको हम इसमें डाल देंगे, विदाउट बटर विदाउट ऑयल, कुछ भी हमें नहीं डालना है। सीधा हम स्ट्रेट अवे अपनी ग्रेवी इसके अंदर ऐड करेंगे। ये मैंने ग्रेवी इसमें सारी डाल दी है और मैंने अपने मिक्सी जार में थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें डाल दिया था क्योंकि उसमें हमारी ग्रेवी जो है वो चिपक रही थी। और इसमें मैंने 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करी है। कश्मीरी लाल मिर्च ही ऐड कर रही है क्योंकि उससे क्या होता है, मिर्च कम होती है इसमें और कलर आ जाता है अच्छा। अब इसमें हम थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे, थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट आप टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपके ग्रेवी में सॉल्ट ठीक है तो ब्लैक सॉल्ट ऐड मत कीजिएगा, अगर थोड़ा कम लग रहा है तो ब्लैक सॉल्ट ऐड कर लीजिए। मैंने ये सब मिक्स कर दिया सारे मसाले। इसमें मैं 3-4 टेबलस्पून पानी ऐड करूंगी और इसे मिक्स कर दूंगी। और ये जो हमारा मैरिनेशन बचा है जिसमें हमने अपने पनीर कैप्सिकम और अनियन मैरिनेट किए थे, इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी और इसको अच्छे से मिला के सारा पेस्ट एक तरफ करके इसको हम अपनी ग्रेवी में ऐड कर लेंगे। ये देखिए मैंने ऐड कर दिया, इसे मैंने मिक्स कर दिया और अब हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। थ्री टू फोर टेबलस्पून इसको मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम ये जो हमारे पनीर टिक्का रोस्ट है इसको हम ऐड करेंगे। इसमें ऐसे हम पनीर टिक्का अपने सारे ऐड कर लेंगे, अनियन कैप्सिकम ऐड कर देंगे। ये मैंने पनीर टिक्का इसमें ऐड कर दिया है और अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसको अब हम मिक्स करके 2-3 मिनट्स कवर करके रखेंगे और अपनी गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। ये मैंने इसको कवर कर दिया है, अब इसको सिम फ्लेम पे 2-3 मिनट्स हम पकाएंगे। अब मुझे 2 मिनट हो गए हैं, इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा पनीर टिक्का मसाला बिल्कुल रेडी है, इसकी ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और अब हम इसे सर्व करेंगे। ये हमारा रेडी हो गया है पनीर टिक्का मसाला।